अरे सर आप रोक क्यों रहे? मेरा पहला प्यार वापस आ गया अमित। आपका पहला प्यार वापस आ गया? एकदम उल्लू, मतलब समझा नहीं। मेरा पहला प्यार लोकिया। अच्छा अच्छा, मतलब इट्स अ गुड थिंग ना। अच्छा तो है ही। गाइस जैसे आपने सुना डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग न्यूज़ है, मैं भी काफी एक्साइटेड हूं। नोकिया ने अपना पहला स्मार्टफोन 2017 में लॉन्च कर दिया, व्हिच इज ए नोकिया 6 ऐसे दिखाता है ना, एग्जैक्टली नोकिया 6। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ नोकिया। फाइनली नोकिया ने अपना पहला स्मार्टफोन 2017 में लॉन्च कर दिया। इसके बारे में बहुत सारा बात हो रहा था, लेकिन एक चीज से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बाद में बता दो वो क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका स्पेसिफिकेशन क्या है। इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले व्हिच इज 1920x1080। Along with that, you will get 2.5D curved glass, जिसमें आपको 450 का NITS brightness मिलता है, which will give you a very good brightness in the daylight conditions. और इसमें आपको मिलता है Corning Gorilla Glass 3 protection, which is another good thing. ये आपका चल रहा है Octa-Core Qualcomm Snapdragon 430 chipset में, जो आपका latest chipset है, और ये 64-bit processor है, Adreno 505 आपको GPU मिलता है। जहाँ तक RAM का सवाल है, you will get 4GB RAM, which is a DDR3 RAM है, और इसके साथ मिलता है 64GB onboard storage which can be expand up to 128GB, मतलब micro SD का slot आपको मिलता है। ये dual SIM है, लेकिन ये hybrid SIM है कि नहीं उसके बारे में confirmation नहीं है। 16MP का आपका rear camera मिलता है with dual tone flash with PDA technology, आपका f2.0 aperture है। front पे आपको मिलता है 8MP camera which will give you 2.0 aperture, 84° wide angle lens, fingerprint scanner इसमें आपका है, 3.5mm हेडफोन जैक है, डुअल स्पीकर है जहां पर आपको स्मार्ट एम्पलीफायर इस्तेमाल किया गया, व्हिच इज अ डुअल एम्पलीफायर। द मॉडल नंबर इज TFA9891, व्हिच इज अ डॉल्बी एटमोस एम्पलीफायर। आपका थिकनेस है 7.8mm, मतलब काफी आपका थिक होगा। ये 4G LTE सपोर्ट करता है, वाईफाई है, ब्लूटूथ 4.1 है, USB OTG सपोर्ट करता है, 3000mAh का बैटरी है। अभी प्राइस देखा जाए चाइना में ये आपका लॉन्च हुआ 1699 yuan में, मतलब डॉलर में कन्वर्ट करने से लगभग $245 पड़ता है, और अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं विच विल कॉस्ट यू अराउंड 16,740 rupees, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7,000 rupees। अभी है अवेलेबिलिटी के बारे में, जैसे मैंने बताया आपका इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये चाइना में एक्सक्लूसिव अवेलेबल हुआ है। मुझे पता नहीं हम लोग इतना प्यार करते नोकिया को, इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च किया। ये स्ट्रेटेजी मुझे काफी अजीब लगा, वर्ल्ड वाइड कहीं पर लॉन्च नहीं हुआ, एक्सक्लूसिवली खाली चाइना में लॉन्च हुआ। और ये आपको JD.com से मिलेगा। JD.com एक वेबसाइट है विच इज ए चाइनीज ई कॉमर्स साइट, वहां से आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इंडिया में कब आएगा उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, या फिर वर्ल्ड वाइड ये कब लॉन्च होगा उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। सो मुझे लगता है शायद वो लोग चाइना कस्टमर से टेस्ट करके देखना चाहते हैं एग्जैक्टली इस फोन का कितना रेस्पॉन्स है, उसके बाद ही वो वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे। सो JD.com में आप जाके इसको खरीद सकते हैं अभी, लेकिन मैं तो डेफिनेटली इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। मुझे दो तीन चीज लगा, जैसे ये 16-17 हज़ार का फोन है, मुझे लगा प्रोसेसर थोड़ा और ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, 630-640 ऐसा कुछ प्रोसेस 600 रेंज में वो लोग प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकते थे इंस्टेड ऑफ 430। हालांकि 430 इज ऑल्सो वेरी न्यू चिपसेट, और बैटरी मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आई थिंक एटलीस्ट 3500-4000 mAh का होता तो बढ़िया हो जाता। आइदर दैट नोकिया का फोन है, लुक्स वाइज प्रिटी गुड, यूनिबॉडी शेल डिजाइन है, पूरा मेटल बॉडी है, देखने में सिंपली मस्त लग रहा है। मैं नोकिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, नोकिया का बहुत सारा फोन मैं इस्तेमाल कर किया हूँ, और डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च होगा मैं डेफिनेटली इसको इस्तेमाल करूंगा। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।